वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग हमारा किस चीज पे है? टॉप 5 मॉल्स जो कि हमारे फेवरेट हैं बैंकॉक में। और इन मॉल्स को हमने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे हमारी इंडियन ऑडियंस सबसे ज्यादा आती है, और हम 4 साल से अब बैंकॉक में रह रहे हैं और ये हमारे भी पर्सनल फेवरेट है। इन मॉल्स में जाने के लिए आपको टैक्सी वैक्सी करने की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे मॉल्स जो हमने सिलेक्ट किए हैं वो BTS से कनेक्टेड है। तो आज हम आपको दिखाएंगे टॉप 5 मॉल्स, और शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर 5 से। और सबसे पहला मॉल जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो है टर्मिनल 21, जो कि एकदम मेरे पीछे है। और ये मॉल फेमस है अपने थीम बेस्ड फ्लोर्स के लिए। तो चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ये मॉल है कैसा। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हर एक मॉल BTS से कनेक्टेड है, तो टर्मिनल 21 के लिए हमें जाना है अशोक BTS, और वो है ये टर्मिनल 21 की सबसे सही चीज है कि यहाँ की लोकेशन और यहाँ का डिजाइन। टर्मिनल 21 का हर एक लेवल एक कंट्री या फिर एक एयरपोर्ट पे डेडिकेटेड है। तो अभी अगर हम ऊपर जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे पेरिस में। तो चलो सबसे पहले पेरिस चलते हैं। इस शॉपिंग मॉल में बहुत सारी वीकली मार्केट्स लगती हैं, और वो सारी की सारी लगती हैं यहाँ के ग्राउंड फ्लोर पे। तो आज हमने देखा कि वहाँ पे शूज, स्पोर्ट्स वेयर और वो सब बिक रहे हैं, तो वहाँ पे भी एक नज़र मारेंगे। पर अभी देखते हैं कि पेरिस में क्या क्या मिलेगा। तो अब हम अराइव कर रहे हैं पेरिस सेक्शन में। तो पेरिस है शॉपिंग के लिए फेमस, और डिज़ाइन के लिए फेमस, और फैब्रिक्स के लिए फेमस। तो यहाँ पे हैं इस फ्लोर पे सारे के सारे आपको हाई एंड फैशन ब्रांड्स मिल जाएंगे। चार्ल्स एंड कीथ मिल जाएगा, ESP मिल जाएगा, विक्टोरिया सीक्रेट है यहाँ पे, एलिमेंट 72। तो यहाँ पे सारे के सारे आपको फैशन ब्रांड्स मिलेंगे पेरिस वाले फ्लोर पे। एम फ्लोर पे ही मिलेगा आपको H&M, सबका फेवरेट फास्ट फैशन ब्रांड। और उसके साथ पता है क्या लिखा है? सेल। तो इस टाइम पे मॉल्स में सेल लगी हुई है पूरे के पूरे थाईलैंड में। तो ये वाला फ्लोर आ गया टोक्यो। डिजाइन से ही पता लग रहा है टोक्यो। तो यहाँ पे जापानी स्टाइल के थोड़े फैशन ब्रांड्स हैं। इसी वाले फ्लोर पे एक बहुत ज्यादा फेमस यहाँ का डेजर्ट कैफे और कॉफी शॉप, जिसका नाम है आफ्टर यू। तो अगर आप लोग आ रहे हैं यहाँ पे तो टोक्यो वाले फ्लोर पे आफ्टर यू वाली कॉफी शॉप है, बहुत ही फेमस है, और यहाँ पे हमेशा लाइन लगी रहती है। मैंने तो एक बार ट्राई किया है, मेरे को तो अच्छा लगा, आप लोग जरूर ट्राई करना। चलो अब चलते हैं लंदन। लंदन आके किंग्स गार्ड से तो मिलना ही था। तो इस वाले फ्लोर पे इन्होंने ये वाला बनाया हुआ है, और लंदन को थोड़ा सा और याद करने के लिए लंदन की फेमस रेड वाली बस। तो हर फ्लोर पे ऐसा कुछ ना कुछ इन्होंने उस कंट्री को या फिर उस एयरपोर्ट को डिनोट करने के लिए बनाया हुआ है। इस फ्लोर पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिलेंगे और टॉयज भी मिलेंगे। टॉयज मोस्टली ये वो वाले हैं जो कि बच्चों के लिए नहीं, एडल्ट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। और उसके साथ साथ आपको मिलेगा यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रीट फैशन, और जो गेमिंग के एंथुजियास्ट हैं उनके लिए यहाँ पे निंटेंडो, प्लेस्टेशन और रिलेटेड गेम्स सारी की सारी मिल जाती हैं। और ये वाली शॉप तो बहुत फेमस है, मैं खुद यहाँ पे आके बहुत बार शॉपिंग कर चुका हूँ। थाईलैंड आए और ये ऐसी वाली शर्ट नहीं ली तो मज़ा नहीं आएगा। ये वाली शर्ट हाईली रिकमेंड करता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, और अगर ये डालो तो खुली डुल्ली सी होती है, बिल्कुल पसीना नहीं पड़ता है, और पड़ता भी है तो आराम से कम्फर्टेबल रहते हैं। तो सैन फ्रांसिस्को में मिलेगा आपको पूरा का पूरा फूड कोर्ट। यहाँ पे जापानीज, चाइनीज, थाई, हर एक तरह की कुजीन अवेलेबल है। तो ये वाला मॉल अब हो गया हमारा कवर। अब हम जा रहे हैं अपने 4th मोस्ट फेवरेट वाले मॉल पे। कौन सा वाला? चलो दिखाते हैं। तो टर्मिनल 21 से अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट BTS की तरफ, यानी नेक्स्ट मॉल की तरफ, और वो है सायाम। तो अभी हम हैं अशोक में, हम यहाँ से ट्रैवल करेंगे और हम जाएंगे सायाम। हमारे पास ऑलरेडी BTS कार्ड है तो हमने टोकन ले लिया, अदरवाइज यहाँ पे टोकन मशीन्स भी हैं जहाँ से आप अपना टोकन ले सकते हैं। और अगर आप बैंकॉक बहुत सारे दिनों के लिए हैं तो यहाँ पे आप अपना सिर्फ पासपोर्ट सबमिट करो, और 200 baht का ये कार्ड है जिसमें बैलेंस भी 200 ही आता है। जो हमारी अगली डेस्टिनेशन है सायाम, वहाँ पे एक्चुअली हमारा एक वाला फेवरेट मॉल नहीं है, वहाँ पे 3-3 मॉल्स हैं जो हमारे फेवरेट लिस्ट में आते हैं। तो ये है सायाम स्टेशन। सायाम स्टेशन एक सेंट्रल स्टेशन है जैसे अशोक स्टेशन है। यहाँ से MRT भी मिलेगी, आप यहाँ पे इंटर चेंज भी हो जाती है जगह,
और यहाँ से सिलोम जो एक अलग एरिया है, सिलोम और साथोन बैंकॉक का, वो भी कनेक्ट हो जाता है। तो इस स्टेशन पे हमें दो हमारे मॉल्स मिलने वाले हैं और जो तीसरा मॉल मिलने वाला है वो यहाँ से सिर्फ एक स्टेशन आगे है। तो पहले तो हम हमारे नंबर 4 फेवरेट मॉल में जाने वाले हैं। अब मैं थोड़े से रॉयल मूड में हूँ क्योंकि अब हम आ गए हैं एकदम लग्जरी मॉल में, जो साउथ ईस्ट एशिया का वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस मॉल है। यहाँ पे आके एकदम रॉयल फीलिंग आ जाती है। वेलकम टू सयाम पैरागॉन। इस मॉल में आपको वर्ल्ड के मोस्टली लग्जूरियस ब्रांड सारे के सारे अवेलेबल मिलेंगे। जितनों के हमें नाम पता है वो तो हम आपको बता देंगे, कईयों के तो हमें भी नाम नहीं पता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा लुई विटों, डियोर, हर्मेस, प्राडा, BMW, मासेराती और रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियाँ भी, शनेल, फेंडी, टिफनी, YSLY, इतने सारे ब्रांड्स की गिनते ही रह जाएंगे। बड़ा मज़ा आता है इस मॉल में आके, इतने महंगे महंगे ब्रांड्स, लाखों लाखों के बैग्स, और उसके लिए भी लोग लाइन लगा के खड़े हो रहे हैं। इमेजिन आधे आधा घंटा लाइन लगाते हैं लोग अंदर घुसने के लिए, सिर्फ मॉल में विंडो शॉपिंग करने के लिए मे भी। तो इतना महंगी चीज़ें लो और लाइन भी लगाओ, अलग ही दुनिया है। Look at this. 1941. जीप, और ये है 6 मिलियन की, 60 लाख बाद, मतलब 1.5 करोड़। Oh my God, नना इनके टायर्स थे। वही 6 मिलियन की थी, तो ये तो पता नहीं इसका प्राइस नहीं लिखा कहीं। ऑन रिक्वेस्ट होगा शायद प्राइस, मैं रिक्वेस्ट ही नहीं करूँगा। इस वाले सेक्शन में मॉल के इन्होंने ऑटोमोबाइल का भी एक अलग से बना के रखा है। तो पहले आता है बेंटले, बेंटले की गाड़ियाँ यहाँ पे हैं, और एक हार्ले डेविडसन का पॉपअप स्टोर भी बनाया हुआ है इन्होंने, जिसके अंदर हार्ले डेविडसन की दो दो मोटरसाइकिल्स रखी हैं। यार क्लासी लग रही है यार ये, ऑल्दो मैं उतना बाइक फैन नहीं हूँ, बट ये तो देख के ही मज़ा आ गया इसे। इन सब शोरूम्स के सामने BMW कितनी ऑर्डिनरी सी लग रही है, पोर्श करेरा, एस्टन मार्टिन, और पिनकल ऑफ लग्जरी गाड़ियों में रोल्स रॉयस। जब भी हम लोग इस मॉल में आते हैं ना, सही में बोले एंजॉयमेंट बड़ा होता है। ऑल्दो हमारे बजट में तो नहीं है ये सब लेना मोस्टली जो यहाँ पे चीज़ें हैं, बड़ा मज़ा आता है ये सब देख के। इधर पे आओ, विंडो शॉपिंग करो दुनिया भर की, और फिर मज़े से जेब में हाथ डाल के निकल लो। बट ये भी अलग क्रेजीनेस है यार लोगों की, मतलब लाखों के बैग्स, जस्ट हैंड बैग, और उसके लिए भी लाइन लगा के खड़े रहते हैं। अभी भी खड़े हैं। सयाम पैरागॉन का लग्जरी और रॉयल एक्सपीरियंस लेके अब हम आ गए हैं वन ऑफ आर अदर फेवरेट, MBK सेंटर। MBK सेंटर है फर्स्ट कॉपी और असली प्रोडक्ट, दोनों मिलेंगे यहाँ पे, और जो रेट चाहिए, जैसा नेगोशिएशन करना है वैसा ही इजीली अवेलेबल है। और सयाम स्टेशन से नेशनल स्टेडियम के लिए आपको एक मेट्रो पकड़नी है, जो कि यहाँ पे BTS बोलते हैं जैसे, और यहाँ पे आप लोग पहुँचाओगे, और ये एग्जिट करके सामने MBK सेंटर। तो अंदर चलते हैं, बहुत ऊंचे फ्लोर्स पे ये बना हुआ है, और हर सेक्शन पे कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स सब मिलेगा। तो जैसे आप BTS से उतरेंगे ना, आप लोग सेकंड लेवल पे आएंगे, और सेकंड लेवल पे यहाँ पे है बहुत सारा खाने पीने का सामान, और यहाँ पे है गोल्ड शॉप्स। थाईलैंड फेमस है स्टोन्स के लिए, यहाँ पे बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स हैं जो कि आपको मिलेंगे, और वो वैरायटी आपको सेकंड फ्लोर पे मिलेगी MBK के। तो जैसे आप मेरे सामने देख सकते हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी गोल्ड शॉप है, और सबसे खास बात यह है कि आप किसी भी गोल्ड शॉप पे चले जाओ, आपको रेट सब जगह बराबर मिलेगा, ऑलमोस्ट मेकिंग चार्जेस भी बराबर ही होते हैं, तो सिर्फ आपको डिज़ाइन सेलेक्ट करना है, दैट्स इट। तो जब आप इस मॉल में बहुत सारी शॉपिंग कर लेंगे ना, तो उसके बाद उठाएंगे कैसे, तो हमारे पास है यहाँ पे बैग्स की बहुत सारी ऑप्शंस, बहुत यूनिक यूनिक तरीके के बैग्स हैं। कैन शो, ओके थैंक यू। ऐसे बैग्स आपको यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग वैरायटी में मिल जाएंगे। हाँ, हाउ मच? 1000 बात बागेन, आपकी खुद की कैपेसिटी है जितना भी कर सकते हैं। या ऑरेंज, ऑरेंज सेम प्राइस, सेम प्राइस। बड़े एक्साइटेड हो ना हो, पर बच्चे ज़रूर एक्साइटेड हो जाएंगे, और वो एक तो लेके ही जाएंगे। तो इस फ्लोर में आपको काफ़ी सारे हैंड बैग्स और ट्रॉली बैग्स की ऑप्शन मिलेगी,
गोल्ड शॉप्स मिलेंगी आपको, शूज की भी मिलेंगी और प्रेशियस स्टोन्स। एक शॉप बहुत अच्छी थी बट उन्होंने इनकार किया कि हम वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, पर जब आप पर्सनली यहाँ पे आएंगे तो ये सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेवल 3 पे आपको मिलेंगे कपड़े कपड़े, हर तरह के कपड़े, टी शर्ट्स, जीन्स, निकर्स, इनरवेयर, स्लीपवेयर, हर तरह के कपड़े मिलेंगे और सारे ब्रांड के अवेलेबल हैं। ऑफ कोर्स फर्स्ट कॉपी है, तो यहाँ पे नेगोशिएट करो, यहाँ पे सबसे बढ़िया बात है इंडियंस के लिए नेगोशिएट करने में बहुत ईजी है, बिकॉज मोस्टली जो यहाँ पे शॉपकीपर्स हैं वो या फिर नेपाल से हैं या फिर बर्मा से, तो उन्हें हिंदी आती है और वो बढ़िया नेगोशिएट करते हैं। हर तरह के मैग्नेट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे जो फ्रिज पे लगाने वाले होते हैं, तो ये सारे के सारे सुविनियर्स यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो ये मैग्नेट की कलेक्शन है, की रिंग्स हैं, ये छोटे छोटे ऑटो हैं यहाँ पे, टुक टुक जैसे बोलते हैं। यहाँ पे आके अगर आपने थाई सिल्क नहीं लिया तो क्या लिया, तो मैंने ली है ये वाली बेडशीट हमारे घर के लिए, और ये एक्चुअली बोल रहे थे 1100 बात, पर मैंने इसको थोड़ा सा कन्विंस किया और इसने मेरे को 600 बात के दे दी। यहाँ पे MBK सेंटर में ऐसा नहीं है कि सब कुछ कॉपी वाला ही सामान मिलता है, यहाँ पे बहुत सारी ब्रांडेड शॉप्स भी हैं, और ब्रांडेड शॉप्स में से एक है बनाना, तो बनाना इज इक्वल टू क्रोमा या फिर रिलायंस डिजिटल इंडिया का। और अगर आप लोग हमारी तरह यूट्यूब ब्लॉगर्स हो या फिर ब्लॉगिंग में नया नया स्टार्ट कर रहे हो, तो ब्लॉगिंग रिलेटेड बहुत सारी एक्सेसरीज मिलती हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमने लिया था अपनी DJI माइक्स, यहीं से हमने लिया हमारा ड्रोन भी, और यहीं पे हम लोग आते हैं मोस्टली जब भी हमें नए फ़ोन कवर्स चाहिए होते हैं या फिर हमें टेम्पर्ड ग्लास डलवाना होता है या फिर मुझे अपने एप्पल वॉच के लिए बैंड्स लेने होते हैं, सब चीज़ों के लिए यह सबसे बेस्ट एरिया है। यहाँ पे हम आ गए हैं अपने सेकेंड फेवरेट मॉल में, जिसका नाम है आइकॉन सयाम, जो कि है एकदम चाओ प्राया रिवर के सामने। तो यहाँ पे आने के दो रास्ते हैं, एक या तो फिर आप बोट से आओ, और यहाँ पे बोट पे आने के लिए आपको फ्री शटल सर्विस अवेलेबल है, या फिर तो सेकेंड ऑप्शन है कि आप BTS के थ्रू आओ। इस मॉल की भी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे दो सेक्शंस हैं, जिस सेक्शन में हम हैं उसको बोलते हैं आइकॉन लक्स। तो यहाँ पे सारे के सारे लग्जरी ब्रांड्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे, और इसके बाद हम लोग उस साइड पे भी जा सकते हैं जहाँ पे सब ब्रांड्स अवेलेबल हैं, इकोनॉमिकल से लेके फास्ट फैशन ब्रांड्स या फिर सिनेमा या फिर एप्पल वर्ल्ड और एशिया का या साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा स्टारबक्स, हर एक चीज़ अवेलेबल है इस मॉल में। ये है मेरी सबसे फेवरेट चीज़ आइकॉन सयाम की, ये वाटरफॉल, और इसके अराउंड इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, और ये अलग अलग शेप्स में अलग अलग स्टाइल्स में पूरा पानी गिर रहा है। तो अभी ये कुछ स्टार्स की शेप में गिर रहा है पानी, फिर थोड़ी देर के बाद बिल्डिंग्स की शेप में गिरेगा, अलग अलग डिज़ाइन बनाए हुए हैं इन्होंने। इस फ्लोर पे सारे के सारे आपको हाई एंड रेस्टोरेंट्स और जो नॉर्मल रेस्टोरेंट है वो भी मिल जाएंगे, और ये पूरा का पूरा फ्लोर डेडिकेटेड है फूड के लिए, और इसके ऊपर है जो हम दिखाने वाले हैं बहुत यूनिक चीज़ पूरे के पूरे थाईलैंड में, थाईलैंड का और बोलते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा स्टारबक्स कैफे। ये थाईलैंड का सबसे बड़ा स्टारबक्स कैफे है, और यहाँ पे आपको जो जो आइटम्स मिलेंगी स्टारबक्स की वो कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। एक्सेसरीज ले लो, मग्स ले लो, कॉफ़ी की वैरायटी ले लो, और यहाँ पे तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी मिलती हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काउंटर्स हैं, एक काउंटर पे तो आपको रेगुलर स्टारबक्स की कॉफ़ी मिलेगी जो हर जगह मिलती है, शायद एक दो फ्लेवर्स अलग अलग होंगे। और अगर आप यहाँ वाला काउंटर देखो तो इसमें देखो एकदम वो केमिस्ट्री लैब की तरह बीकर्स के अंदर स्पेशलाइज्ड फ्लेवर्स और वो सब डाल के ये लोग आपको कॉफ़ी बनाएंगे। और मेरे पीछे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे ड्रिंक्स भी मिलती हैं, तो वाइन ले लो या बियर ले लो, ये वाले स्टारबक्स में ये सारे के सारे एक्सपीरियंसेस अवेलेबल हैं। और यहाँ से सामने व्यू आता है पूरा चाओ प्राया रिवर का, जो बैंकॉक की नदी है। यह भले ही हमारी लिस्ट में ये मॉल नंबर 2 पे है, बट इसके व्यूज़ और इसका स्टाइल बीट करना बड़ा ही इम्पॉसिबल है। यहाँ पे हर एक लोगों के लिए हर एक चीज़ है, यहाँ पे आराम से आओ, बाहर बैठ के सिर्फ व्यूज़ इंजॉय करो और एक कॉफ़ी ले लो। सो ये बहुत टाइट कंपटीशन था, बट हमारी प्रेफरेंस के हिसाब से ये नंबर 2 पे है। आप बिलीव कर सकते हैं कि ये एक ऐसी जगह एक मॉल के अंदर है, यहाँ पे जितने आपको हाई एंड कैफेज, जितने आपको फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, उतने ही बेसिक आपको यहाँ पे स्टॉल्स मिलेंगे जहाँ पे लोकल वेंडर्स अपना खाना बेच रहे हैं। और तो और यहाँ पे इन्होंने एक छोटी सी फ्लोटिंग मार्केट भी बनाई हुई है, जो कि बैंकॉक की बहुत ही ज़्यादा एक हाईलाइट है। फाइनली हमारा सबसे ज्यादा फेवरेट मॉल और नंबर 1 मॉल,
साउथ ईस्ट एशिया का ऐसा बोलते हैं कि सबसे बड़ा मॉल है और वर्ल्ड में 11th या 12th नंबर पे आता है मॉल्स में। सेंट्रल वर्ल्ड के साथ ही अटैच्ड है एप्पल वर्ल्ड यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया का अगेन सबसे बड़ा शोरूम यहाँ पे खुला हुआ है। सेंट्रल वर्ल्ड जाने के लिए आपको BTS लेनी है सायाम स्टेशन तक और वहाँ से मॉल कनेक्टेड है एक स्काई वॉक के थ्रू। सिर्फ 200 मीटर्स वॉक करने के बाद आप फाइनली पहुँच जाएंगे सेंट्रल वर्ल्ड। सेंट्रल वर्ल्ड फेमस फ्लैगशिप स्टोर्स के लिए और बोला जाता है कि थाईलैंड के सबसे बड़े स्टोर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एडिडास का ये एक फ्लैगशिप स्टोर है जो कि थाईलैंड का सबसे बड़ा स्टोर है और इसमें हर एक एडिडास का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। लेट्स एक्सप्लोर। जो यहाँ पे कलेक्शन मिलेगी और जो यहाँ पे पूरा स्टफ है वो शायद ही कहीं और मिलेगा। हर एक ट्रेंड के लिए हर एक ट्रेंड। ये है एडिडास का एक्सक्लूसिव क्लब। न्यू कलेक्शन है, बेस्ट सेलर। ऐसे शूज मैंने कहीं नहीं देखे हैं। एंड हाउ मच फॉर दिस का? दिस वन 2800 बाट। इस मॉल के थर्ड फ्लोर पे आपको सारा का सारा स्पोर्ट्स सेक्शन मिलेगा। तो पहले हम गए एडिडास और अब हम जा रहे हैं सुपर स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ब्रांड्स हैं, जैसे एडिडास भी है, पूमा भी है, नाइकी भी है। तो सारे के सारे ब्रांड्स यहाँ पे मिक्स्ड हैं, तो आपको जो पसंद आए आप वो ले सकते हैं। अब आ गए हैं हम लोग फोर्थ फ्लोर पे। फोर्थ फ्लोर है पूरा डेडिकेटेड गैजेट्स के लिए। गैजेट्स हो गए, सिम कार्ड्स हो गए, करेंसी एक्सचेंज हो गया और आ गया पावर बाय। जैसे इंडिया में हमारा रिलायंस डिजिटल होता है, क्रोमा होता है, तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का रिलेटेड आपको पावर बाय में मिल जाएगा। जितना मेरा एक्सपीरियंस है थाईलैंड में रहने का, इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे सस्ता है, बट अगर आप कन्वर्ट करेंगे करेंसी को तो थोड़ा महंगा पड़ जाता है या कभी कभी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट पड़ता है। बट यहाँ पे ब्रांड्स ज़्यादा वैरायटी में मिल जाते हैं, पर कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो इंडिया में मिलते हैं और यहाँ पे नहीं मिलते। जैसे वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, वो यहाँ पे थोड़ा कम मिलता है ब्रांड। और इंडियंस के लिए एक और सबसे स्पेशल चीज़, या फिर सब टूरिस्ट के लिए, जो भी आप सामान खरीदोगे उसका वैट रिफंड आपको मिल जाता है। तो 7% वैट लगाते हैं ये लोग, तो 7% वैट रिफंड आपको रिसीप्ट देने पे एयरपोर्ट पे आराम से मिल जाएगा। अब जस्ट इमेजिन करो LG का टीवी, QNED टेक्नोलॉजी, क्वांटम डॉट नैनो सेल टेक्नोलॉजी, 65 इंचेस, 20,000 बात का, अमेजिंग डील। अब तो इसको तो अगर आप चाहे इंडियन रुपीस में भी कन्वर्ट करो ना, तब भी सस्ता ही पड़ेगा। और एक और चीज़, यहाँ पे मॉल्स वाले जो हैं वो जो डिस्प्ले वाले टीवी होते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा सस्ते में बेच देते हैं, कभी कभी तो 30-40% 50% डिस्काउंट पे भी बेच देते हैं, पर उसके साथ वारंटी नहीं होती। ये आ गया PlayStation सेक्शन। यहाँ पे PlayStation अवेलेबल है 15,690 में जो डिजिटल वाला होता है और 18,690 में जो CD वाला है। आई थिंक ये भी इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सस्ता है, बिकॉज इंडिया में मैंने देखा था अराउंड 55,000 या 60,000 में था एक PlayStation, तो यहाँ पे ज़्यादा सस्ता है। ये एक और सेक्शन है DJI का, यहाँ पे आपको DJI के ड्रोन्स, गिम्बल, वो सब मिल जाएगा। ऑल्दो हमने इनसे नहीं लिया था, बट यहाँ पे ऑप्शन है अवेलेबल और ये DJI का ब्रांडेड शोरूम है। थाईलैंड में एक स्पेशल चीज़ होती है जो कि हमने अपने एक बड़े पुराने ब्लॉग में भी बताया था कि यहाँ पे बैंक्स सैटरडे एंड संडे दोनों दिन अवेलेबल रहते हैं और पूरा पूरा टाइम खुले रहते हैं 9 to 6 PM। तो यहाँ पे भी सारे के सारे मेजर बैंक्स के आउटलेट्स अवेलेबल हैं और इन सब आउटलेट्स में करेंसी एक्सचेंज भी होता है, तो जो भी टूरिस्ट बाहर से आए वो यहाँ पे अच्छे रेट में करेंसी एक्सचेंज मिल सकती है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए सभी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।